अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और नया व्लॉग और शाम का टाइम है, तकरीबन शाम के 5:30 बज गए। काफी दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से काफी दिन बाद बात हो रही है। थोड़ी मसरूफियत थी, वैसे तो 5-6 दिन हो गए। मेरी कोशिश होती है कि 3rd-4th दिन अपलोड कर दूं, लेकिन इस दफा थोड़ी सी लेट हो गया, थोड़ा जॉब की वजह से बिजी था। यह है कि अपनी ह्यूस्टन में ही था, ऑफिस आना जाना पड़ रहा था, शाम को वापस आता था तो काफी थक जाता था, टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और आज मैं आया हूँ ऑल्डी पे। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये ऑल्डी स्टोर है और ये ग्रोसरी का एक स्टोर है। घर की थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, कुछ ग्रोसरी तो हमने वॉलमार्ट से कर ली थी। आप लोगों को पता ही है कि हमने वॉलमार्ट की एक सब्सक्रिप्शन ली हुई है, इसमें वो हमारे घर पे डिलीवर कर देते हैं ग्रोसरी। तो कुछ ग्रोसरी मैंने वॉलमार्ट से कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा कुछ यहाँ से करते हैं। जो ऑल्डी है, आपने मेरे पीछे देखे, आपको नाम नजर भी आ रहा होगा, ऑल्डी के क्लेम करता है कि ये अमेरिका का सबसे चीपेस्ट स्टोर है। चीप मीन सस्ता स्टोर, चीप मीन वो पाकिस्तानी और वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं बड़ा ये कोई चीप है, मतलब ये वो वाला चीप नहीं है, मतलब कि सस्ता तरीन स्टोर है, ये लोग ये क्लेम करते हैं ऑल्डी वाले। तो कुछ फ्रूट थे वो मैंने वॉलमार्ट से नहीं लिए, मैंने सोचा कि जाके ग्रोसरी भी कर लेते हैं और व्लॉग भी बना लेते हैं। वैसे मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था ऑल्डी पे, काफी पहले किया था, कुछ महीने हो गए, और देखते हैं कि प्राइसेस क्या है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल में जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। यहाँ पे एक और चीज बड़ी मुनफरिद है कि इनकी जो कार्ट होती है जिसमें हम ग्रोसरी रखते हैं, वो निकालने के लिए आपको 25 सेंट्स चाहिए, यानी कि आप कार्ट के अंदर 25 सेंट्स डालो तो वो कार्ट वापस मतलब निकलेगी, और वापसी पे आप कार्ट वापस उसके अंदर डालो जो भी कार्ट वाली जगह, और आपको 25 सेंट्स वापस मिल जाएंगे। तो इससे ये फायदा है कि लोग इधर उधर छोड़ते नहीं है कार्ट, लेकिन समटाइम ऐसा होता है किसी और स्टोर पे कि लोग अपनी गाड़ी के साथ छोड़ देंगे, प्रॉपर जगह पे कार्ट खड़ी नहीं करेंगे। तो इसमें ये फायदा है कि लोग कार्ट जो है ना अपने 25 सेंट्स या क्वार्टर वापस लेने के लिए वापस उस जगह पे खड़ी कर देते हैं। चले अंदर चलते हैं, आपको प्राइसेस दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कार्ट हम कैसे लेंगे। हम यूजली इसी ऑल्डी पे आते हैं, मेरे घर के पास है, तो फ्रूट वगैरह लेना है मैंने, कुछ फ्रूट इस तरफ है, तो देखते हैं फ्रूट में क्या कुछ है। यहाँ पे सेब लेने, एक ही एप्पल ले लेते हैं, रेड डिलीशियस एप्पल, 2.99 के हैं ये, तकरीबन 3 पाउंड है ये। एक ये ले लेते हैं एप्पल्स, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी हमने नहीं लिए काफी अर्से से, स्ट्रॉबेरी कुछ इतने रेड नहीं लग रहे, इनकी प्राइसेस क्या है, 2.69 के हैं ये। स्ट्रॉबेरी रहने देते हैं, मेरा ख्याल है इतने अच्छे नहीं लग रहे मुझे। इसके अलावा क्या है आगे देखते हैं, इसके अलावा ग्रेप्स काफी महंगे, $8 के ग्रेप्स हैं ये, काफी महंगे, इसको मैं नहीं ले रहा, इसको ले रहने देते हैं। कॉटन कैंडी ग्रेप्स, इनके बहुत मजे के ग्रेप्स होते हैं, लेकिन ये भी मैं नहीं ले रहा 4.29 के, ये भी नहीं ले रहा मैं। ये जो है सीडलेस ऑर्गेनिक क्यूकम्बर्स हैं, और मैं ये वाले ले लेता हूँ, 49 सेंट्स का ईच है ये क्यूकम्बर, दो ये उठा लेते हैं। प्याज ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था हम येलो अनियन यूज़ करते हैं खाने में, तो एक बैग ले लेते हैं इसका, साफ सा उठा के। ये एक उठा लेते हैं येलो अनियंस, और इसकी प्राइस है 2.09। टमाटर लेने थे मैंने, टमाटर वाली जगह पे अभी रश लगा हुआ है, थोड़ी जगह खाली हो तो टमाटर ले लेते हैं। टमाटर वाली जगह पे आओगे, एक खाली बैग निकालते हैं यहाँ से, टमाटर है यहाँ पे 89 सेंट्स के पर पाउंड, मैंने कुछ 10-12 ले लिए नॉर्मल साइज के, अगर आप तोलना चाहें तो आप यहाँ पे तोल भी सकते हैं। तो ये बता रहे तकरीबन
3 pound के लगभग बता रही है, 3 से थोड़ा सा कम है। और ऐसे साफ सुथरे टमाटर हैं कि बिल्कुल आपको इसमें से एक भी गंदा टमाटर नजर नहीं आएगा, साफ सुथरे टमाटर हैं बिल्कुल। ये 3-4 चीजें हो गई हैं। और दूध लेना है मैंने, फ्रूट मैंने कुछ खास लिया नहीं है, माल्टे देखते हैं अगर माल्टे यहाँ पे हों अच्छे से, माल्टे चेक करते हैं दूसरी तरफ। माल्टे ये वाले हैं, माल्टे ले थे लेकिन माल्टे यहाँ पे है नहीं, और ये पील करने वाले नहीं है, ये छुरी से काटने वाले हैं, वो जिन्हें पाकिस्तान में रेड ब्लड कहते हैं। ये उस तरह के माल्टे छीलने वाले नहीं है। फ्रूट भी मुझे इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, ब्लूबेरीज हमने सुबह मंगवा ली थी वॉलमार्ट से, कोई इतना एप्पल मैंने ले लिया है। तो आगे देखते हैं मजीद, मैंने दूध लेना है तो फ्रूट देखते हैं, उसके बाद दूध की तरफ चलते हैं। ये केल है और ये है 349 की, ये पालक की तरह होती है, पता नहीं पंजाबी में कड़म बोलते हैं, मेरा ख्याल है इसको, आई थिंक मुझे सही पता नहीं है। ये 349 का एक बैग है इतना सा। इसके बाद ये ऑर्गेनिक पालक है और ये आप यकीन करें इसमें कुछ बनेगा भी नहीं, ऐसे कुछ 4 चाहिए होंगे 3 बंदों के लिए, इतने ये मतलब बनाया हुआ था इन्होंने ऐसे, आपको पता है पालक बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो ये कितने डॉलर की है, 289 की है, आई मीन कुछ चीज़ सस्ती नहीं है यहाँ पे भी। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। एक चीज़ ये यहाँ पे अच्छी है कि आपको हर चीज़ की क्वालिटी मिल जाती है, लाइक आपने हल्का वाला लेना है, बहुत हल्का वाला लेना है, अच्छा वाला लेना है, तो जो क्वालिटी है उसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोई चीज़ बहुत ही कोई थर्ड क्लास होगी या जैसे सड़ी हुई होगी, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छी होती है, आप खा सकते हैं उसको, लेकिन जैसे उन्होंने एक बनाई हुई है, एक लेवल बनाए हुए, आपने बहुत अच्छी लेनी है, दरमियानी लेनी है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप नए आए तो आप आल्डी पे ज़रूर ट्राई करें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट ग्रोसरी स्टोर्स इन अमेरिका। यहाँ पे डिफरेंट तरह के सीरियल्स लगे हुए हैं, ये दूध में डाल के खाते हैं यहाँ पे लोग सुबह सुबह, इसमें टेस्ट भी डिफरेंट है, लाइक अंदर और लाइक कोई नट्स वाले हैं, कोई आलमंड के साथ है, कोई रेजन्स के साथ है। यहाँ पे डिफरेंट तरह की सॉसेस लगी हुई हैं, लाइक ये चिली सॉस है, चिली सॉस भी कई कंपनीज की हैं, ये मेक्सिकन है, चिपोटले सॉस, ये बारबेक्यू सॉस है, हनी बारबेक्यू सॉस, हनी एंड ब्राउन शुगर बारबेक्यू सॉस, ये मायोनीज है। प्राइसेस देखते जाए, 145 की है ये मायोनीज का बड़ा डब्बा, 548 का है, आई मीन इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है, और 329 का ये किसी और कंपनी की है, हेल्समैन थोड़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे टमेटो केचप जो है वो 185 की है, और अच्छा अच्छा खासा बड़ा ये बर्मन्स, मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी है, अच्छी कंपनीज भी होती हैं, ये भी एक कंपनी है यहाँ पे। फिर मस्टर्ड सॉस है, ये तिक्का मसाला भी पड़ा हुआ है यहाँ पे 279 का, तकरीबन दो तीन यही प्राइसेस हैं इनकी। इस तरफ हनी लगे हुए, शहद या हनी, 749 का, ये 459 का, सिंपली ऑर्गेनिक, ये देसी ऑर्गेनिक कहते हैं इसको, पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन शहद यहाँ पे अच्छे होते हैं, ये भी किसी कंपनी का है, $5 का, ये छोटा पैक जो है ये $3 का है। फिर ये डिफरेंट तरह के पीनट बटर वगैरह, पीनट बटर स्प्रेड है। सैमन लगी हुई है यहाँ पे, एटलांटिक सैमन 899 पर पाउंड, काफी महंगी है मछली यहाँ पे, लाइक ये जो पूरा लगा है $23 का, ये $23 का, ये देखें। फिर ऊपर थोड़े छोटे लगे हुए हैं,
ये 928 का है ये, तो ये शायद थोड़ी पुरानी है, इन्होंने सेल पे लगाई हुई है 899, ऊपर वाली थोड़ी महंगी है, तो काफी महंगी है मछली यहाँ पे। बाकी इस तरफ तो हम नहीं जाते, दूध की तरफ चलते हैं। ये ऑर्गेनिक मिल्क आ गया 389 का, ये आई थिंक 1 गैलन है, 1 गैलन, तो ये 2 उठा लेते। ये वाले उठाते हैं, इसकी एक्सपिरेशन अप्रैल है, तो ये 2 उठा लिए। वॉलमार्ट पे जो ऑर्गेनिक मिल्क है वो तकरीबन $4.99 या $5 का, ऑलमोस्ट $1 से भी ज्यादा का डिफरेंस है। अंडे यहाँ पे लगे हैं 178, ग्रेड ए वाइट एग। हम लेते हैं ब्राउन एग, कभी ऑर्गेनिक ले लेते हैं। ये लगे हुए ऑर्गेनिक एग्स 393। अंडे हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मैं भी बड़े शौक से खाता हूँ अंडा, ऑलमोस्ट मैं डेली भी खा सकता हूँ अंडा। फिर आलू अंडा मैं घर में बनवाता हूँ, आलू और अंडा आपको पता ही होगा। और इसी तरह अगर फ्रेंच टोस्ट बनाएं तो फ्रेंच टोस्ट में आपको पता है कि वो थोड़ा सा दूध और अंडा वो भी डल जाता है। 12 कैंस जो हैं यहाँ पे मिलते हैं $7.64 के, $7.64। कोक की 1.5 लीटर है ये, 2 लीटर है, कितनी है ये, ये तो 2 से भी बड़ी लग रही है, काफ़ी बड़ी है ये, 3.6 लीटर, तकरीबन 4.25 लीटर की बोतल है ये, काफ़ी बड़ी है, $2.68 की। ये ले लेते हैं ज़ारा के लिए पॉकी, ये बेसिकली छोटी सी ब्रेड टाइप चीज़ है, लेकिन ये बिस्किट कह लें, जैसे बिस्किट होते हैं ना, बिस्किट का मटेरियल है ऊपर, इसके बाद चॉकलेट लगी हुई है, तो 2 ले लेते हैं ज़ारा के लिए। हर चीज़ की यहाँ पे जो है हमें इंग्रेडिएंट्स देखनी पड़ती हैं, पता नहीं किस चीज़ में इन्होंने क्या डाला हुआ हो, तो बहरहाल ये 2 ले लेते हैं, ये ठीक है, मैंने चेक कर लिया। इन मेन चीज़ें जो मैंने ले ली थी वो तो मैंने ले ली हैं, लाइक मैंने प्याज टमाटर लेना था वो भी ले लिया, मैंने खीरे थोड़े से ले लिए, दूध ले लिया, फ्रूट लेना था, फ्रूट इतना कुछ खास यहाँ पर मौजूद नहीं है। बस मैं अब यहाँ से वाइंड अप करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, कि ज़ारा की तबीयत भी ख़राब हो रही है, इसको एलर्जीज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, बस यहाँ पे मैं चेक आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैंने क्या कुछ लिया और कितने का मिला। ये मैंने 2 दूध ले लिए, 1 एप्पल लिए, 2 खीरे लिए, 2 ही छोटे से स्नैक्स लिए चॉकलेट के, और प्याज लिए और टमाटर लिए, देखते हैं इन चीज़ों का कितना पैसा बनता है। ये सामने चेकआउट काउंटर है, लाइन में खड़े होते हैं और चलते हैं। वापस बाहर आ गई हूँ मैं, कार्ट मैंने अंदर डाल दी है, और आपने देखे 5-6 चीज़ें लिए मैंने, तक $18.22 बने, अब मैं इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतने कम भी नहीं है, क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत कम ली हैं, 4 या 5 चीज़ें ली हैं और $18 बन गए। तो आपको मैंने अंदर डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस दिखाई हैं, लाइक आलू प्याज टमाटर यहाँ पे कैसा मिलता है, कितने रुपए का मिलता है और कितने डॉलर्स का मिलता है, प्राइसेस आपने देख ली, अंदाज़ा यहाँ पे आपको हो गया होगा। आए रोज़ यहाँ पे भी महंगाई होती जाती है, लाइक एवरी अदर डे कुछ ना कुछ चीज़ बढ़ रही होती है, लाइक जो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है इस साल से जनवरी से वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, अभी 6 महीने पूरे हुए गाड़ी की इंश्योरेंस को, और उसकी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, $15-20 महीने की बढ़ गई है, यानी कि साल के एंड पे $2,000-3,000 बन जाता है, और आपकी सैलरी इतनी बढ़ती नहीं है, तो ये भी एक इधर मतलब इतना आसान नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि एक बंदे की सैलरी से सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है, आप रह तो लेंगे लेकिन अच्छी लाइफ गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब लोग फिर कमेंट करेंगे अपनी अच्छी लाइफ क्यों गुजारनी है, शुक्र करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत खुश हूँ मैं, अकेला इस टाइम जो वाइफ मेरी जॉब नहीं कर रही क्योंकि मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तकरीबन 6:30 बज गए, अंधेरा भी हो गया, आप ये देखें, तो अब घर की तरफ चलते हैं और अपना व्लॉग यहाँ पे अख्ताम करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलें, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।